पापा और आप बेटा आपको याद है आपको आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा पापा पापा सुनाई दे रहा है बेहरा नहीं हूं मैं दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फ़िल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फ़िल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही ख़राब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इन फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफ़ी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाणा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाणा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाणा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही ख़राब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शायद हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से सी हिलने नहीं देगा फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफ़ी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शैड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फ़िल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फ़िल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही ख़राब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वान् ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शायद हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वागा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फ़िल्म एक फ़ैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फ़िल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही ख़राब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड है प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉल तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थिम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहां भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पांच पांच स्टॉस तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शायद हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉर्स तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल साउथ मूवी हिंदी पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी चर्चाओं में थी रणबीर कपूर की एनिमल ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा इमोशंस और हिंसा से भरी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है रणबीर कपूर के किरदार के इर्द गिर्द जिसका नाम है बलबीर सिंह वो अपने पिता के साथ एक बहुत ही खराब रिश्ता शेयर करता है जिसे निभा रहे हैं अनिल कपूर इस रिश्ते की उलझन और उसकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं उसे एक एनिमल में बदल देती हैं फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा के साथ, साथ एक्शन और डार्क थीम्स भी दिखेंगी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हैं प्यार करने वाला बेटा क्रोधित इंसान और एक क्रिमिनल अनिल कपूर का रोल भी बहुत दमदार है उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है रश्मिका मंदाना का किरदार भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वानगा ने अपनी पिछली फिल्म कबीर सिंह की तरह यहाँ भी एक इंटेंस और रॉ कहानी पेश की है एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग है और क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक भी कहानी को और असरदार बनाते हैं हालांकि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पर कहानी स्लो लग सकती है इसके अलावा फिल्म की हिंसा कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है जो कि सबके लिए नहीं है एनिमल एक अलग तरह की फिल्म है जो इमोशंस एक्शन और ड्रामा को एक साथ लाती है अगर आप रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फैन हैं या फिर एक इंटेंस फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन अगर आप लाइट हॉटेड फिल्में पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा रेटिंग मैं इसे दूंगा तीन दशमलव पाँच पाँच स्टॉल तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिव्यू क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें